Hello everyone, welcome to Study Master. Dear all, today we had decided to start a new course. एक नया कोर्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस कोर्स के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाएगा। आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर सब्जेक्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक विच आर इंपॉर्टेंट फॉर SSC एग्जामिनेशन, UPSC एग्जामिनेशन और आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल अभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आ रहा है या UPPCS का एग्जाम आ रहा है, तो वो सारी चीजें जो है आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगी। दूसरी चीज, हम इस कोर्स को दो टाइप से डिवाइड करेंगे। एक पार्ट रहेगा स्टैटिक, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी देखी जाती हैं, अगर 100 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर आपके आ रहे हैं तो उसमें से नियरली 50-60 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से आते हैं और रिमेनिंग जो 40% पेपर है आपका वो करंट अफेयर से भी आता है, और अगर करंट अफेयर से आता भी है तो मोर और लेस करंट अफेयर और स्टैटिक को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेसेसरी चीज क्या है? नेसेसरी ये है कि हमारा स्टैटिक एज वेल एज जो करंट अफेयर पोर्शन है, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों चीजें जो है वो स्ट्रांग रहे, और उसके लिए नेसेसरी है कि हम इसके प्रिपरेशन जो है होलिस्टिकली प्रिपरेशन करें। दूसरी चीज, अभी के टाइम पे सबके दिमाग में ये आ रही है कि राइट टाइम क्या होता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, राइट टाइम क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो राइट टाइम क्या होता है प्रिपेयर करने का? सो राइट टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो मोस्टली पीपल के माइंड में जो रहता है कि जब नोटिफिकेशन आएंगी, फॉर एग्जाम्पल HCS की नोटिफिकेशन जब आएगी देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, या फिर आपके SSC की जब नोटिफिकेशन आएगी, रेलवे की नोटिफिकेशन जब आएगी लाइक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन आई है तो अब मैं प्रिपेयर करना शुरू करूं। नहीं, इट इज वेरी रॉन्ग, ये राइट टाइम नहीं होता। तो फिर राइट टाइम क्या है? राइट टाइम इज नाउ। आपके पास एक हेल्दी टाइम है तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन को रिस्क में क्यों डाल रहे हो? आपको अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे आप स्टैटिक पोर्शन को कवर करते जाओ और उसी के बाद आप अपने करंट अफेयर को उसी के साथ बूस्ट करो। जब एग्जाम आएगा तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, उस टाइम पे पैनिक नहीं करना, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कैसे होगा? जब हम आज से ही प्रिपेयर करना शुरू करें, राइट टाइम इज नाउ। दूसरी चीज, जो COVID-19 है, कोरोना वायरस है, उसके चलते अब अनसर्टेनिटी जो है वो लोगों के माइंड में काफी ज्यादा है कि अब क्या होगा या क्या नहीं होगा, कैसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होंगे या किस टाइप से वैकेंसीज रहेंगी या नहीं रहेंगी। इसकी जो सिचुएशन है इसको हम थोड़ा सा डीपली एनालाइज करते हैं। सिचुएशन ये है स्टूडेंट्स कि अभी के टाइम पे मोस्टली पीपल आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड। क्यों अनएम्प्लॉयड? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बूस्ट है वो खत्म हो चुका है। अब ऐसे सिस्टम के अंदर रेस्क्यू के लिए कौन आ सकता है? गवर्नमेंट। इस टाइम पे रेस्क्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन आ सकता है? गवर्नमेंट। दूसरी चीज, जब भी इस टाइप की महामारी आती है तो एक अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा हो जाती है लोगों के माइंड में, या फिर जो भी एस्पायरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके माइंड में, कि दे स्टॉप प्रिपेयरिंग और आपको उसी का क्या उठाना है? बेनिफिट उठाना, कि आप अपने घर पे हो, ऑनलाइन आप स्टडी करो और उस स्टडी का फायदा उठाओ, अपना एज बनाओ उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि अभी अनसर्टेनिटी के टाइम पे है। तीसरी चीज, अब आप ट्रेंड देखिए, रिसेंटली SBI PO उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन निकाली, UPSC ने भी अपना टाइम शेड्यूल दे दिया, UPSC फर्दर जो नोटिफिकेशन है वो भी निकाल रहा है, RBI भी अपनी नोटिफिकेशन निकाल रहा है, NABARD भी अपनी नोटिफिकेशन निकाल रहा है, दैट व्हाट डज इट मीन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपनी एग्जाम कंडक्ट करने के मूड में है। व्हाट डज इट मीन? इसका सिग्निफिकेंस यही है कि आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन जिस ट्रेंड से आ रही थी उसी से आएंगी, इवन जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज होंगी बजाय की डिक्रीज होने के। सो बेस्ट पोर्शन ये है कि हम अभी से उसको प्रिपेयर करना शुरू करें। नाउ जो मैंने बोला कि अभी हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, तो
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, कहाँ कहाँ काम आती है? आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंदर प्री का एग्जामिनेशन होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है, दोनों जगह पे ज्योग्राफी जो है एक्सटेंसिवली पूछी जाती है। ऐसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों एग्जामिनेशन के अंदर, एसएससी के अंदर भी कम से कम भी नहीं तो 22 to 25 क्वेश्चंस जो है आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आ जाते हैं, इंक्लूडिंग स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर। रेलवे एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, उनमें भी जनरल स्टडी का जो पोर्शन होता है उसके अंदर आपकी ज्योग्राफी जो है वो पूछी जाती है। दूसरी चीज कि क्या अब हमारे माइंड में आता, क्या ये 20 to 25 मार्क्स के लिए हम ज्योग्राफी को इतना एक्सटेंसिवली पढ़ें या किस तरीके से पढ़ें? सो डियर ऑल, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये सुना होगा कि यार मेरी कट ऑफ से 2 मार्क्स कम थे, 5 मार्क्स कम थे, नेक्स्ट टाइम आई विल डू, एंड अगेन दोबारा यही हो जाता है कि 5 मार्क्स कम थे। सो नेसेसरी चीज क्या है? नेसेसरी ये है कि 5 मार्क्स आर वेरी मच वैल्यूएबल। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप सिर्फ एक ऑनलाइन मोड को प्रिपेयर करो, आप लेक्चर्स को डेली देखो। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आउट ऑफ दीज लेक्चर्स आपका स्टैटिक और करंट दोनों चीजें इसमें से ही आएंगी। आप बस अपने दिन का 30 मिनट इस चैनल को दो फॉर योर कैरियर। उससे फायदा क्या होगा, अगर आप 30 मिनट डेली इसको देते हैं तो रेगुलर बेसिस पे वी विल गिव यू वीडियोस, आपके धीरे धीरे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी, ये सब जो चीजें हैं वो एसएससी के, एचपीएससी के, यूपीएससी के या अदर जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन है उनके थ्रू कवर हो जाएंगी और आप इजिली उसको क्रैक कर पाओगे। यही डिफरेंस होता है दोज पीपल हु गॉट सेलेक्टेड एंड दोज पीपल हु डजंट गॉट सेलेक्टेड, बिकॉज अर्ली स्टार्ट इज अ हाफ वे डन, आप उसको मान के चले। अब हम ज्योग्राफी में क्या कवर करने वाले हैं, तो ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स जो हैं, ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं। क्लाइमेटोलॉजी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, जो भी जिस भी एस्पेक्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट, वेदर, वो एटमॉस्फेयर के अंदर पूछ लिया, एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में पूछ लिया, रेनफॉल के टाइप के बारे में पूछ लिया, या जो भी आपके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी फिनोमेना है उनके, ओजोन लेयर के बारे में, आपके फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। सिमिलरली जी इन जियोमॉर्फोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की फॉर्मेशन के साथ साथ में हम इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिस्कंटिन्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे और जो भी डिटेल आपको होगी और पास्ट ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वेदर फ्रॉम एसएससी, एसपीएससी और डिफरेंट सर्विस कमीशन ऑफ द स्टेट एंड यूपीएससी, हम सबको कवर करेंगे सो दैट कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी ये चीजें कवर हो जाए। सिमिलरली ओशनोग्राफी में ओशन फॉर्मेशन, ओशन के रिलीफ फीचर्स और वगैरह ये सब पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम इंडियंस के लिए रिवर, हिमालयाज, माउंटेन्स, प्लेन, क्रॉप्स, दीज ऑल थिंग्स वी विल कवर कॉम्प्रिहेंसिवली विद एस्पेक्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। सिमिलरली इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट माइनिंग इंडस्ट्रीज, रेलवेज, हाईवेज, दैट दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन दीज एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इन केस ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ population theories, how the population is getting developed in India and what is the system of population development all around the world, so that you can easily cover comprehensively with the aspects of mains of the civil services examination as well as the prelims of the SSC, SPSC or the other state public including the UPS. Now the thing is, the basic thing is continuity. This is a general thing which is required for everyone. आप अपनी continuity को हमेशा बनाए रखेंगे। जो भी success होती है वो 1 day या 2 days या 1 month की success नहीं होती है। जब आप succeed हो जाते हैं, जब आप successful हो जाते हैं, उस time पे everyone just came to you and appraised you. आप वो दिन सोचें जिस दिन आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू गॉट सेलेक्टेड ऑन दैट डे, आप उस चीज के बारे में बात करें, उस दिन एवरीवन विल अप्रिशिएट योर एफर्ट। टिल दैट टाइम नो वन इज केयरिंग कि हाउ मच स्ट्रगल यू आर डूइंग, नो वन इज केयरिंग, एंड इफ दे आर नॉट डूइंग सो, आपकी ये काइंड ड्यूटी या मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप अपना प्रिपेयर करना शुरू करें अपने हिसाब से, सो दैट यू कैन इजिली सक्सीड, सक्सेसफुल हो सके आप। और उसके लिए क्या होगा, हार्ड वर्क इज नेसेसरी
और हार्ड वर्क में भी कुछ नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा पास ईयर के, मैं आपको स्टैटिक पोर्शन कवर करूंगा, मैं आपके करंट अफेयर को कवर करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको अपने दिन का 30 मिनट जो है वो आपको डिवोट करना है। इस 30 मिनट के अंदर आपकी सारी चीजें कवर होंगी कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि मोस्टली आपको आपने देखा होगा कि एक एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है मोर लेस रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट, दूसरे एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं मोर और लेस उसी टाइप के क्वेश्चन दूसरे में भी कवर होते हैं, पर नेसेसरी है कि हम उसको क्वेश्चंस डिस्कशन करें, टॉपिक की डीप हमारे पास नॉलेज हो, सो दैट कंपटीशन जो भी बढ़ता जा रहा है उसमें हम इजीली एज पा सकें, इजीली हम उसके अंदर सेलेक्ट हो सकें। सो एक सिस्टमेटिक वे से हम इस चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, एंड आपका ये डिटर्मिनेशन ही सब चीजों को आगे लेके जाएगा, आपको सक्सीड करेगा। सो ऑलवेज इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट कि आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और कंटिन्यूअसली अपनी वीडियोस को देखें और उसी की जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसको रिवाइज करते रहें। सिर्फ यही चीज मुझे आपसे चाहिए, कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे जो वीडियो आ रही है उसको देखना और पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसको रिवाइज करना एक्सटेंसिवली। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं है, यू सर्टेनली गॉट सेलेक्टेड। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।